क्या हुआ ममता? What happened? तुम इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? It's so simple. It's not so simple, Mr. Siddharth Rai. तुमने इतनी आसानी से मुझसे ये सवाल पूछ लिया, उसका जवाब इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। I'm sorry, Sid. I'm really very sorry. मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ममता, मेरी बात तो सुनो। Sid, please. तुम यहां फौरन चले आओ होटल रीजल पे। सिड आज जरूर कामयाब होगा। मुझे लगता है कि अब तक उसने ममता से बात भी कर ली होगी। मॉम, मेरा पेशेंस तो जवाब दे रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि दोनों में क्या बात हो रही होगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी मुंडे को फोन कर देता हूँ। अरे yes. फोन करने की जरूरत नहीं सुंदर। बहन मेरी, सुंदर नहीं, सुंदर नहीं, सन्नी सन्नी। मेरी और सिड की उम्र तो एक ही है ना। अमेरिका जाने से तू कोई अमेरिकन नहीं हो जाएगा। तू कल भी सुंदर था, तू आज भी सुंदर है और तू सुंदर ही रहेगा। सुंदर लाल चड्डा। बुलबुल जी। हाँ जी। जरा मेरी पैंट को समझाओ तो सही कि मेरे नाम को लेकर अमेरिका में कितना कंफ्यूजन हुआ था। कंफ्यूजन हो गया था? हाँ दीदी, अमेरिका में लोग इन्हें ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर बुलाते थे। लोगों ने एक दिन इनसे सुंदरलाल चड्डा का मतलब पूछा तो इन्होंने बड़े शान से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। और तब से लोग इन्हें चिढ़ाने लगे, इसलिए मजबूर होकर, परेशान होकर हमें सनी नाम रखना पड़ा है जी। हसलो हसलो हसलो, सब लोग हसलो। अच्छा हुआ पैंट मेरी कि ये बात जो है ना, आपने अपनी होने वाली बहू के आगे नहीं की, वरना मेरी इज्जत तो। मामा जी, मैं ये बात ममता के सामने जरूर कहूंगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सिड है कहाँ? मॉम, आ जाएगा आ जाएगा। अभी तो उसने ममता को प्रपोज किया होगा और ममता ने शर्मा कर हाँ कहा होगा। बस फैन मेरी, बस इसी हाँ की तो देर रहती है। एक बार लड़की ने हाँ कह दी तो फिर किसे याद रहती, दोनों अपनी अपनी दुनिया में साथ में। ऐसा नहीं हो सकता। सिड भले ही अपनी दुनिया में खो गया हो, लेकिन ममता ने हाँ कहकर सबसे पहले यही कहा होगा कि चलो सिड, घर चलकर घर वालों से ये खुशी शेयर करते हैं। मम्मा, लगी शर्त? मुझे लगता है ममता बिल्कुल शर्मा जाएगी और सिद से कहेगी अब तुम बारात लेकर आओगे तभी मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। तुम इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी। Will you marry me? शालिनी जी, ममता को हम अपने यहाँ रख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसे अपने यहाँ काम तो दे सकते हैं। आपको एक असिस्टेंट की जरूरत थी ना, ममता ये काम कर सकती है। सिद, तुम मेरे पीए से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। पीए? देखो कैसी है ये साड़ी और ज्वेलरी, कुछ पसंद हो तो लो अपने लिए। सिद मुझसे शादी करना चाहता है, उसने मुझे प्रपोज किया। मैं जानती हूँ इसमें पूरे परिवार की इच्छा शामिल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे इनकार करने पर पूरे परिवार को कितना दुख होगा। लेकिन मैं किसी से कैसे कहूँ, कैसे कहूँ कि आज मैं किस अग्नि परीक्षा से गुजर रही हूँ? कैसे कहूँ?
से मुझे इनकार किया? मुझे? सिद्ध, प्लीज रिलैक्स, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं यार? जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने ना कहा है। मुझे? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी? माय फुट। तू तो जानता है यार, सिर्फ जब किसको प्रपोज करता है तो उसका मतलब क्या होता है, और उसने मुझे ना कहा। दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट। सिद्ध, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि उसके इनकार करने से तुम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि उसके इनकार करने के पीछे क्या वजह है? वजह? क्या वजह हो सकती है अक्षय? मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। उसने मुझे ना इसलिए कहा ताकि वो मेरे ईगो को ठेस पहुंचा सके। बी पॉजिटिव सर, बी पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई और, वो किसी और से प्यार करती हो, कोई ऐसी वजह रही होगी जिससे मजबूर होकर उसे तुम्हें इनकार कर दिया। देखो सर, जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सामने वाले को अच्छी तरह से समझ लिया है, पहचान लिया है, लेकिन ये हमारे मन का धोखा होता है। सिद्ध, किसी को अच्छी तरह से जान लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ओह माय गॉड, थक गई मैं। वैसे तुमने तो डिनर कर लिया होगा। वैसे मैं भी बॉस के साथ डिनर। ममता, क्या हुआ? लो, यहां मैं कब से बोली जा रही हूं और तुम हो कि पता नहीं किस दुनिया में खोई हो। बात क्या है, कहां है तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही? बात यूं ही कहकर टालने वाली तो लग नहीं रही है। तुम्हारा चेहरा ना कोई और ही कहानी बता रहा है। अब बताओ बात क्या है। कुछ नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं क्रिश को लेकर परेशान हूं। नहीं, मुझे लगता है बात कुछ और है। तुम सच कह रही हो, बात क्रिश की है भी और नहीं भी। प्लीज ममता, ये बात गोल गोल घुमाकर करना छोड़, सीधे सीधे बताना बात क्या है। आज सिद्ध ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। सबसे बड़ी बात, वो अमीर भी है। और इतनी अच्छी बात तुम मुंह लटका के कह रही हो। प्लीज वीरा, मेरे लिए सब बातें कोई मायने नहीं रखती। क्यों, क्यों मायने नहीं रखती? वक्त तुम्हें एक मौका दे रहा है अपनी जिंदगी संवारने का, और तुम उसे ठुकरा रही हो। वीरा, तुम नहीं समझोगी। अरे इसमें ना समझने वाली बात क्या है? सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है और मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बस बस, एक तो ऐसा होगा नहीं, पर अगर ऐसे अनहोनी हो गई तो तुम ये मत भूलो वीरा कि मैं एक बच्चे की माँ हूं। मैंने शर्त जीत ली। मैंने कहा था ना कि ममता नहीं आएगी, और अब मुझे लगता है उसे लाने के लिए तो हमें बारात लेकर ही जानी होगी। क्या हुआ भांजे? सुंदर, तू रहने दे, मैं इसे बचपन से जानती हूँ। एग्जाम्स के भी जब रिजल्ट लेके आता था ना, तो यूं ही चुपचाप बैठ जाता था। जब हम लोग खूब परेशान हो जाते थे तब जाके बताता था, है ना? ओए पुत्र, और कोई ड्रामा श्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि माँ क्या हुआ होगा। क्यों सिमरन? 100% श्योर मामा जी, मुझे पता है। सिद्ध ने जाकर कहा होगा विल यू मैरी मी, तब ममता ने एक लंबा सा पॉज लिया होगा और हंसकर कहा होगा इतनी सी बात कहने में इतना वक्त लगा दिया। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी।
ममता ने कहा होगा पहले अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जान पहचान तो बना ले। क्यों सिद्ध, सच कह रही हूँ ना मैं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। I'm sorry, Sid. I'm really very sorry. मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। Sid. अरे भांजे। Sid. अरे बता तो सही वहाँ क्या हुआ? अरे मिलो। अरे दरवाजा तो खोल, क्या हुआ? दरवाजा तो खोल, आखिर बता तो सही। दरवाजा खोल बेटा। आखिर हुआ क्या है सिद्ध को? क्यों इनकार किया उसने मुझे, क्यों? जिन्हें अमेरिका नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। सच दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। अरे ममता, गुड मॉर्निंग बेटे। इन लोगों से तुम्हें मिलवाए नहीं मैंने, ये मेरा भाई है सुंदर। सुंदर नहीं पैण मेरी, सन्नी, सन्नी। ठीक है ठीक है। और ये मेरी भाभी है बुलबुल, ये लोग अमेरिका से आए हैं, अब यहीं रहेंगे। जिंदी रहे। और ये है ममता। आप भी कमाल करती हैं पैण मेरी, जब से हमने घर में कदम रखा है तो हम सिर्फ ममता की तारीफ सुनते हैं, क्यों जी, है ना? ममता, तुम्हें पता है सनी अंकल का नाम अमेरिका में सनी कैसे पड़ा? दरअसल में इनका नाम सुंदर लाल चड्ढा। बेटा ब्रेक लगा दे, ब्रेक। अरे सिमरन पुत्र, तेरे को ममता के सामने ये बात बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि तेरे मामा जी को अमेरिका में लोग ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर करके बुलाते हैं। गलती होगी जी। इंट्रोडक्शन करवाने के लिए शुक्रिया जी। अरे सिट, अकेले क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, देखो तुम्हारे सुंदर अंकल कैसे अमेरिका के जोक सुना रहे हैं। अच्छा जी, मैं जोक सुना रहा हूँ या मेरा जोक बनाया जा रहा है? वैसे भी मैं बड़े अच्छे जोक सुनाता हूँ। मामा जी, आप चाहे जो भी जोक सुना लीजिए, ममता और सिद्ध को तो आप नहीं हंसा सकते। अब इन दोनों के चेहरे नहीं देख रहे, ऐसा लग रहा जैसे एक ही दुकान से मास्क खरीदा हो। मैम, मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, मैं यही कहने आई थी। ठीक है बेटा, काम खत्म कर लो, लेकिन कल आ जाना। तुम्हारा ये उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सिद्ध का तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या सोच रही हो? यही कि हालात बहुत अजीब से हो गए हैं। वंदना मैम की आंखें तो कुछ कहती हैं, पर मैं जानती हूं कि उनके दिल में कुछ और है। अब तो उन्हें फेस करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका सलूशन क्या है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया? Come on, ममता, tell me. मैं यहां तुम्हारी खामोशी देखने नहीं, तुम्हारा जवाब सुनने आया हूं। Please, come on, tell me. तुमने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया? सिद्ध, तुमने इस हॉस्टल में या मेरे कमरे में आने के लिए परमिशन ली है? नहीं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी और ना ही जवाब देना जरूरी समझती हूं। तुम यहां से प्लीज चले जाओ।
हाय मामा। हाय बेटा। ये लो बेटा प्रसाद। थैंक यू। खुश रहो। ममता ये लो बेटा प्रसाद। ये किस चीज का प्रसाद है? ये शीतला देवी के मंदिर का प्रसाद है। आज के दिन हर माँ अपने बच्चे के लिए ये पूजा करती है। और तू भी तो मेरी बेटी की तरह है। क्या हुआ? क्या हर माँ अपने बच्चे के लिए ये पूजा करती है? हाँ बेटा, इससे बच्चे पे कभी कोई मुसीबत नहीं आता। अगर कृष्ण नहीं कहा तो इस दुनिया में भी नहीं रह सकता। ना कृष्ण रहेगा, ना श्रीवास्तव परिवार। गुड बाय कृष्ण। गुड बाय ममता। तुझे हुआ क्या? मुझे जाना है। लेकिन कहाँ? मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। पंडित जी, आज के दिन हर माँ अपने बच्चे के लिए शीतला माँ की पूजा करती है। मैं भी अपने बेटे की सुख के लिए पूजा करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, पूजा की थाली मुझे दीजिए। लीजिए। बेटी, देवी माँ तुम्हारे बच्चे का कल्याण करेगी। शुक्रिया पंडित जी। शुभम भवतु।